आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं टाटा के 14-12 ट्रक में जीपीएस, वो भी इंजन ऑनऑफ वाला। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये चार नट है, ये देख लीजिए, एक, ये दो, ये तीन और एक ये इधर है, चार। ये चार नट खोल के हमने इसको मीटर को बाहर कर लिया है, इसको एक साइड कर देंगे, ये हो गया। अब इसके पीछे जो है आपका, हम ये हमारी वायर्स हैं। अब हम इनमें चेक करेंगे किस में इंजन इग्निशन का आ रहा है और किस में डायरेक्ट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मीटर की मदद लेंगे। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जो है आपका ये मीटर ले लेंगे, 20 पे कर लेंगे, क्योंकि सिंगल बैटरी हमने पहले पता कर लिया, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी। डबल बैटरी क्या है, 24 वोल्ट देती है, तो उसको हम 200 पे करके चेक करते हैं। अभी हम 20 पे चेक करेंगे। ये मीटर इधर रख लेते हैं, पकड़ो इसको। ये मीटर ले लिया हमने, सबसे पहले हम डायरेक्ट चेक करेंगे गाड़ी बंद के अंदर। अभी हमारी गाड़ी जो है बंद है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चेक करेंगे। पहले हम जो है बॉडी अर्थ लगा लेंगे कहीं पे मीटर का, मीटर का बॉडी अर्थ लगाने के लिए। हाँ, ये हमने चाबी में घुसेड़ दिया, चाबी से मतलब सटा लिया है थोड़ा सा। ये देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट आ रहा है 12 वोल्ट। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी पहचान है, ये जो है मोटी मोटी वायर है, ये जो है मोटी मोटी वायर है, ये देख लीजिए, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या है, चाबी ऑन करके एसी चेक करेंगे, जिसमें डैशबोर्ड की लाइट जलती है वही हमारी वायर कट होगी इसके अंदर। अब हम चाबी ले लेते हैं गाड़ी की, अब देख लीजिए इसमें करंट आ रहा है 12 वोल्ट और ये है येल्लो वाली, और दोनों में लगाना, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, येल्लो के बगल में दोनों में लगाओ ना। हाँ, इसमें आपका कुछ नहीं आ रहा है और इसमें भी आ रहा होगा, हाँ इसमें भी आ रहा है। अब चाबी बंद करेंगे हम लोग, चाबी बंद करो, ये देख लो चला गया। अब चाबी ऑन करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट पता चल चुका है, चाबी बंद करना एक बार, चाबी बंद करके हम येलो में चेक कर लेते हैं कहीं येलो में डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है। येलो में ढंग से टच करना, चाबी ऑन करके, बंद है ना चाबी, बस चाबी, सेकंड चाबी। हाँ ठीक है, येलो वाली। हाँ, ये येलो वाली जो आपकी एसीसी है। और मीटर अब हम चेक करेंगे इसमें से डैशबोर्ड की लाइट किस में जल रही है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे, एक को हम डायरेक्ट में लगा लेंगे और एक को लगाएंगे येलो में। डैशबोर्ड की लाइट जली नहीं जली, आई ये सेल्फ है, नहीं आई ना। हाँ, ये डैशबोर्ड की येलो वाली ही डैशबोर्ड की है आपकी, ये देख लीजिए डैशबोर्ड में लाइट आ चुकी है, ठीक है। हम येलो को अब निकालेंगे, येलो की साइड से वाइट वाला लगाएंगे, ये चली गई, ठीक है, सुइया नीचे आ गई और ये लगाई, ये आ गई, ठीक है। तो अब हमने समझ में आ चुका है, येलो हमारी वायर कटेगी और यही एसीसी भी है और ये वाली वायर डायरेक्ट है। अब हम इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट चेक करने के लिए मीटर लेंगे, ठीक है, उसके बाद मीटर से ही एसीसी चेक हो जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट में एक साइड ये डाल के किसी भी गाड़ी में इस तरीके, इस तरीके हर ट्रक में इस तरीके लग जाएगा ये डाल के, और हम इस तरीके से तीनों में चेक कर लेंगे, जिसमें हमारी डैशबोर्ड लाइट जलेगी वो हमारी कट होगी। अब हमें पता चल चुका है येलो वाली इसमें कट होगी। अब हम जो है आपका इसको कर लेंगे, ये हमारा जीपीएस है, टेक्नोटेक जीपीएस।
इस तरीके से इसका ढक्कन खोलेंगे, ये ढक्कन खुल जाएगा और दिस साइड अप टुवर्ड्स का ही है ना, हर जीपीएस में हम लोग लिख के देते हैं ये। तो हम इसको जो है, ये आपका जीपीएस वो है मॉड्यूल, तो हम इसको अप साइड रखेंगे, ये सिम लगा के इसको अंदर से ऑन कर लेंगे। ऑन का बटन है, ये रहा ऑन का बटन, और ये इस टाइम ऑफ है, हम इसको ऑन कर लेंगे। ये ऑन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये आपकी वायरिंग है, इसको निकाल के पहले वायरिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जो कट होगी किस तरीके से। इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक ये है आपका वायर काटने का जो बेस्ट तरीका है, सेकंड है पिन निकालने का। कई बार क्या होता है, पिन निकालने के चक्कर में सारा ख़राब हो जाता है, पूरा कपलर ही बेकार हो जाता है। तो बेटर है कि आप वायर काटें, क्योंकि पिन निकालने के चक्कर में पक्का आप कपलर ख़राब करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी पिनें होती हैं, इस तरीके से हम इसको प्लास से दबा लेते हैं, और अब हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगेगा ये। जिसमें से वाइट येलो वायर निकली है ना, उसी में हम पिन को डाल देंगे। ये पिन डल गई है हमारी, अब सेकंड जो सिरा है हमारा, इससे कनेक्ट हो जाएगा येलो वाली वायर से। इसको हम इसमें ऐसे कर देंगे, और अब सबसे पहले टेम्प्रेरी बेस पे लगा लीजिए जो भी काम आपको करना है, उसके बाद उसको परमानेंट करना है हमें। पहले हम चेक करेंगे इसको टेम्प्रेरी लगा के, और एसी में हम एसीसी भी जोड़ लेंगे। ये हमारी जीपीएस की वायरिंग है, ऑरेंज वायर जो है इसमें एसीसी है, और एसीसी सिर्फ तीन कलर का ही होता है, 99% ऑरेंज, वाइट या ग्रीन। तो इनमें से कोई सा कलर है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आपका एसीसी है। तो कलर में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको हमें लगाना वहीं पर है जहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इसको एसीसी में, येल्लो कलर की जो वायर हमने ढूंढी थी मीटर से और जो कटी भी है। अगर हम इसके अंदर विदाउट इग्निशन कट ऑन ऑफ, मतलब विदाउट रिले लगाएंगे, तो क्या होगा, हमें इसके अंदर सिर्फ इसको स्प्लाइस करके ऑरेंज वायर लगा देनी है, येलो वायर जो है जीपीएस की वो हमें ब्लैंक छोड़ देनी है। और इसके अंदर जो रिले की है वो वाइट वायर है, मोस्टली क्या है, येलो कलर की वायर आती है, रिले की येलो के साथ टच हो जाती है। इसको हम क्या करेंगे, अभी वाइट को टच करेंगे इसके साथ में। तो दोस्तों ये देख लो, हमारा जो जीपीएस है ये चल गया है, और जो अर्थ की वायर है हमने एक वायर में दी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अब हम चेक करेंगे, चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये जो वायर है इसमें के अंदर हमने ये वाइट वायर दिया था इग्निशन का, और ये हम बॉडी से टच करेंगे। ये हम बॉडी से टच करेंगे कहीं पर भी, ये देख लीजिए, हम इसे टच करेंगे बंद हो जाएगी, बंद हो गई, अब चालू करना। ठीक है, हॉर्न बज रहा है ना। अच्छा हाँ, ये हम चालू करेंगे गाड़ी को, एक बार दोबारा दिखाते हैं, हमारे कनेक्शन प्रॉपर है, ये चेक करने का तरीका है, ये टच करते ही बंद हो रही है, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। अब हम इसको जैसे लगाया था, मीटर वगैरह सब कुछ खोला था, वैसे ही पैक कर देंगे और टेपिंग वगैरह कर देंगे, और जो हमारा जो बॉडी अर्थ है वो हमने आपका। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन चीज़ है टाटा के ट्रक में, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो करंट की, ये जो हेडलाइट की वो है ना, इसके बगल में ये जो है, ये क्या है, लाइट ऊपर नीचे करने का ना, ये लाइट अप डाउन करने का वो है कपलर। इसके अंदर ना देख लीजिए, इसके कपलर में ना एक ब्राउन वायर होती है, ये देख लीजिए, ये ब्राउन वायर है ना एक, और ब्राउन इधर आके ये कनेक्ट हो गई है आपकी रेड और ब्लैक में, इसमें कनेक्ट हो गई है आपकी।
ये रेड और ब्लैक में कनेक्ट हो गई है। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये टाटा के ट्रक की खासियत है, ये जो ब्राउन वायर होती है ये हमेशा बहुत ही अच्छा अर्थ है, इसके अंदर आप अपना अर्थ दे सकते हैं और बाकी वायरिंग सब यहाँ पे हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। और आपको अगर किसी भी तरीके की GPS की रिक्वायरमेंट है, बल्क में, सिंगल पीस, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिए गए हैं, और नीचे हमारी साइट से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाय भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और इसको जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप लाइव चलता हुआ 2 महीने की हिस्ट्री, किलोमीटर समरी, रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको इंजन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं ऐप से ही, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फ़ोन ही आपकी एक तरह से गाड़ी का करंट लोकेशन, 2 महीने की हिस्ट्री, बैकअप, सब कुछ आपको फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आपको ड्राइवर को फ़ोन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर इस GPS को लगवाने के बाद से। थैंक यू।